Hi, this is Kanika Mahan. Hi guys, this is Raghav Sarcha. You're watching us on FIFA Pulse. Okay, so firstly, welcome on our channel FIFA Pulse. Mehndi Tade naam bhi song out ho chuka hai. Kaafi acha response mil raha hai. Kya kehna chahoge? बहुत खुश हैं क्योंकि गाना बहुत दिल से बनाया है और बहुत टाइम पहले कंपोज किया था, उसको अरेंज किया है, बहुत डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. और वीडियो में भी आप हमें देखेंगे विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट लुक्स एंड आर केमिस्ट्री एज हस्बैंड वाइफ और गेटिंग मैरिड विद इन द वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया क्योंकि इतनी प्रोफेशनल हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं एंड हमें जो जो हमें चाहिए था एज अ पर्सनैलिटी वो सब हमें कनिका ने दिया है एंड इन फैक्ट टेन फोल्ड फ्रॉम दैट. बहुत मज़ा आया गाना शूट करके. गाना सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे था कि ये गाना करना ही करना है. एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, आपको वीडियो देखकर लगा ही होगा. सो बहुत मज़ा आया शूट करने में. लोकेशन बहुत सुंदर थी, टीम बहुत अच्छी थी. सो ऑल ओवर इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत ही अमेजिंग. मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी जर्नी रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी जर्नी गई एंड बहुत मज़ा आया. ऑफकोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, पहला रियलिटी शो. तो कुछ चीज़ें वहाँ जाकर पता चली कि अच्छा ऐसा होता है. तो यस, बहुत सारा आई थिंक एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था कि यू नो इस तरह का होता है रियलिटी शो. एंड बहुत अमेजिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस था. तो इसे पूरा पूछेंगे तो बहुत मज़ा आया. पता नहीं, वो तो उनको पता होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना पॉइंट रख दिया कि वट एवर हैपन दैट वॉज अनइंटेंशनल. आई नेवर वॉन्ट एंड आई ऑफकोर्स यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग दो मिनट सर्च करके या कुछ. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे सच में टेम का मतलब नहीं पता था, बट नाउ आई नो इट हाउ टू टेम एन ऑस्ट्रिच. तो या आई थिंक गेम थी तो गेम का हिस्सा जो था. तो देखिए मुझे क्योंकि अभी मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं रही हूँ तो मेरे को बहुत बिग बॉस पे मैं टिप्पणी अभी नहीं कर पाऊँगी. जब बन जाऊँगी तो ऑफकोर्स कर पाऊँगी. लेकिन मैंने भी एक्चुअली एक बार ये बात बोल दी थी फॉर रूबीना फॉर बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट. तो अगर उस इंसिडेंट के बेसिस पे मुझसे पूछेंगे तो मैं हाँ बोल दूँगी. वाई नॉट, मतलब यहाँ मेरे खतरों के खिलाड़ी के बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी बिग बॉस का हिस्सा थे एंड बहुत अच्छा जिन्होंने किया था. तो उन सब के एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे लग रहा था कि अरे इसका मुझे भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स आई बी अ पार्ट. बट लेट्स सी कब. अभी और दो चार प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही हैं तो आई बी सून. बहुत अच्छी लग रही थी. मैंने कुछ कुछ सेक्शंस देखे हैं फॉर श्योर, पूरा तो मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आई वाज क्वाइट सरप्राइज एंड वेरी प्राउड आल्सो ऑफ हर टू बी डूइंग सो मेनी डिफरेंट स्टंट्स और इतने अच्छे तरीके से. वो हाइना वाला मैंने देखा है, थॉट कि बहुत डर रही होगी बट बहुत अच्छी तरीके से कर लिया सब कुछ. सो हैट्स ऑफ. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे कल पता चला था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि टॉप फाइव में हम पहुँच गए हैं. काफ़ी मिलियन व्यूज़ भी हो गए हैं तो हमारी मेहनत फाइनली रंग ला रही है. एंड अभी तो मैं आपको बता रही हूँ आने वाले एपिसोड्स आपको और पसंद आने वाले हैं. एंड देन सीजन 3 इज़ सो मच फन. हमको करके बहुत मज़ा आया था तो देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा. ओनली एंड ओनली थैंक यू सो मच. आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हमें ऐसे प्यार देते रहिए. एंड या जस्ट थैंक यू. क्या लगता है खतों के खिलाड़ी कौन जीतेगा? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आप ही जीतेंगे. चलिए इनकी बात मान लेते हैं, देखते हैं.